फरवरी 28 दिन का, जनवरी 29 दिन का, दोनों मिलकर के 57 दिन, जो कि 56 दिन के अंतर था, एक दिन ऐड करके 57 दिन आए। 57 दिन में से जनवरी और फरवरी बना दिया गया। ये स्ट्रक्चर बनाया नूमा पोम्पिलस ने। यही चलता रहा पूरे रोम में 753 से लेकर के पूरे समय तक आपके चलता रहा। एक राजा थे जो बहुत प्रचलित हुए और विलियम शेक्सपियर ने उनके ऊपर एक बड़ी सी नॉवल लिख डाली। आपने नाम सुना होगा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर नॉवल है, वो जूलियस सीजर किंग पर लिखी गई है। वो क्या थे, वो मिस्र में पहले रहते थे, इजिप्ट में। तो इजिप्ट में रहते थे, इजिप्ट के रहन सहन को जानते थे, और इजिप्ट वाले जो फॉलो करते थे वो सोलर कैलेंडर को 365 दिन को। तो सोलर कैलेंडर जो कि 365.25 डेज या 1/4 डे लगभग मानते थे। जब जूलियस सीजर यहां पर आए रोमन एम्पायर में और वो बने, तो इन्होंने कहा ये सब हटाइए, ये सब नहीं समझ में आ रहा है, ये अंतर भी ला रहा है दिन का। तो इसलिए जूलियस सीजर जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ये दो जो मंथ ऐड हुए थे इसको इनिशियल लगा दिया स्टार्टिंग में। क्यों, जिन गॉड की पूजा करना है स्टार्टिंग में, द्वार से, द्वार पूजा जहां से होती है वो स्टार्टिंग में होनी चाहिए। ये हुआ, प्योरिटी का मंथ है और तब हम अपने जो है पूरे सब चीज को शुरुआत करें। तो जनवरी और फरवरी को इन्होंने क्या कर दिया, पहला दूसरा महीना कर दिया। अब पहला दूसरा महीना जो है इन्होंने ये बना दिया। तो अब जनवरी फरवरी जो आपके जूलियस सीजर आए, ये 46 बीसी में, तो क्योंकि मिस्र से आए थे इन्होंने ये सारी चीजें एक तो महीनों को चेंज कर दिया। अब जैसे ऑक्टो मतलब क्या होता है, ऑक्टो मतलब होता है आठ, जबकि महीना कौन सा है, दसवां। नोवेम मतलब क्या होता है, नौ, जबकि महीना कौन सा है, ग्यारहवां। डिसेंबर मतलब क्या होता है, दस, जबकि महीना कौन सा है, बारहवां। सेप्टेम्बर मतलब क्या होता है, सेवन, सेवेंथ मंथ, जबकि है कौन सा, ये जो है आपके नवा महीना है। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि दो उठा करके हमने जनवरी फरवरी को यहां लगा दिया, इसलिए सब दो दो खिसक गए। तो अक्टूबर जो आठवां महीना था दसवां बन गया, सितंबर जो नवा महीना था, जो सातवां महीना था नवा महीना बन गया, नवंबर जो है आपके नवा महीना था वो ग्यारहवां बन गया, और जो दसवां महीना था वो बारहवां बन गया, दो इधर से ऐड होने पर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर होना चाहिए। अभी तक क्या था, नुमा कैलेंडर के अनुसार दिन कौन कितने थे, 355। क्यों, क्योंकि 354 दिन थे जो है लूनर कैलेंडर, लेकिन क्योंकि 56 दिन ऑड आ रहा था, इवन आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने एक दिन ऐड कर दिया था, तो 355 हो गए थे। तो 355 दिन उन्होंने लिए। और जूलियन कैलेंडर जो सोलर कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर क्या कहता है कि पूरी पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो 365.25 डेज में होता है, इसलिए 10 दिन का यहां पर अंतर आ रहा है, सवा 10 दिन, जिसमें से सवा को हटा दीजिए 1/4 को, तो 10 दिन का अंतर आ रहा है। तो इन्होंने 10 दिन के अंतर को कैसे चेंज किया, तो इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंतर को इस तरह से चेंज करें कि जहां जहां आपको 29-29 दिख रहा है, कम दिन दिख रहा है, 30 से कम नहीं होना चाहिए, जहां जहां 29-29 दिख रहा है सब जगह एक एक जोड़ दें। तो इन्होंने क्या किया, एक यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, एक यहां ऐड किया, एक यहां ऐड किया, एक यहां ऐड किया, एक यहां ऐड किया, और एक यहां ऐड कर दिया। तो कितनी जगह ऐड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 7 जगह एडिशन हो गया। तो अभी 10 दिन हमें ऐड करना था, 7 ऐड हो गए, अभी भी कितने दिन और बचे, 3 दिन और बचे। तो 10 दिन ऐड होने थे, क्योंकि अब लूनर से सोलर कैलेंडर में आना था 365 दिन में, तो 10 दिन ऐड होने के बजाय हमने अभी 7 ही दिन ऐड किए हैं, अभी भी कितने दिन करना बाकी है, 3 दिन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्विंटिलिस जो था उसको हटा करके जुलाई रख दिया। जुलाई किस लिए, क्योंकि जूलियस सीजर का बर्थडे होता है क्विंटिलिस में, तो क्विंटिलिस जो आपके महीना था
उसी में जूलियस सीजर का बर्थडे होता है, इसलिए क्विंटलिस को जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई रख दिया गया। और जूलियस सीजर का के साथ जो थे वो थे अगस्टस, उसके उनके बाद जो आए थे वो अगस्टस सीजर थे। अगस्टस सीजर के नाम पर अगस्त रख दिया गया, जो आपके सेक्सिलिस था महीना, सेक्सिलिस महीने में, क्योंकि अगस्टस सीजर की जो है आपकी बर्थ हुई थी, अगस्टस सीजर के नाम पर अगस्त नाम रख दिया गया। अब आप देख रहे हैं, अगस्टस सीजर के नाम पर जो है आपके अगस्त रख दिया गया। तो एक तो नाम बदल गया, क्विंटलिस को जुलाई कर दिया, क्यों? क्योंकि जूलियस सीजर की बर्थडे थी, जूलियस सीजर ने अपने नाम पर जुलाई कर दिया, और अगस्टस सीजर जो थे उनके नाम पर अगस्त कर दिया गया। अब देखिए, जो 3 दिन बच रहा है, इन्होंने कहा क्या करें, तो इन्होंने स्टार्टिंग वाले दिन में एक दिन और ऐड कर दिया, और लास्ट वाले मंथ में एक दिन और ऐड कर दिया। तो स्टार्टिंग मंथ और लास्ट वाले मंथ में इन्होंने एक एक दिन और ऐड कर दिया, इसको 31 कर दिया, और बाकी एक दिन और बचा। अब एक दिन बचा तो जुलाई तो उनका महीना तो 31 दिन का था ही, तो उन्होंने अगस्टस सीजर के महीने को एक दिन और बढ़ा दिया। तो अगस्टस सीजर के महीने को एक दिन बढ़ा के, जैसे जो है सीजर का महीना था जो आपके जूलियस सीजर का, वैसे ही अगस्टस सीजर का भी महीने को भी 31 कर दिया। तो 3 दिन कंपनसेट करना था, तो उन्होंने एक पहले महीने बढ़ाया, दूसरा जो है आपके लास्ट महीने में बढ़ाया, और एक अगस्टस सीजर वाले महीने में बढ़ा दिया। तो ये 3 दिन और ऐड हो गया, और अब क्या हो गया, सब 365 दिन का पूरा महीना हो गया। तो अब 365 दिन पूरे जो है आपके इसमें हो गए। अब ये 365 दिन तो हो गए, जूलियस सीजर ने ये सारी चीजें कर दी। अब इस ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है, या जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या फर्क है, और ये एक्चुअल में है क्या, ग्रिगोरियन कैलेंडर है क्या? जब जो है आपके एक तरह से जूलियन कैलेंडर बन गया, तो जूलियन कैलेंडर को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ग्रिगोरियन क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो अब देखिए, ग्रिगोरियन और जूलियन में क्या फर्क है, इसको नेक्स्ट इसकी इसी के आगे देखिए देखते हैं।